और कल अपने लोगों का और नौका विहार का उत्सव हुआ, बड़े बड़े आश्रमों से। पिताजी कल अद्भुत था, बहुत सुंदर। प्रिया प्रियतम तो नौका में आ ही गए थे। आज के दर्शन भी एक बार सबको करवाते हैं, पहले एक बार दर्शन कर लीजिए, आप लोगों का मन प्रसन्न हो जाएगा। सब लोग कल जो बच्चों ने सजावट की वो अद्भुत, नित्य लीलाएं माने हैं। मैंने कल एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, जिन्होंने रात में शयन देखी अंत तक, उसमें ये थी नौका में ठाकुर जी विहार कर रहे। ये संसार भी एक नाव है, और वास्तव में हम क्या कहते हैं, काबू में मझधार उसी के हाथों में पतवार उसी के, हाँ। काबू में मझधार उसी के हाथों में पतवार उसी के, हरी आप ही लगाए तुझे पार उदासी मन काहे को करे, हरी आप ही लगाए तुझे पार उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे, नैया तेरी राम हवाले रे, राम हवाले राम हवाले, लहर लहर हरी आप संभाले, हरी आप ही उठावे तेरा भार उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। आज जिस बच्चा वो चैतन्य प्रभु जो हमारे जिनकी माता जी का निधन हुआ है, उन्होंने कई सालों से बड़े कष्टों को पाया, लेकिन माता जी और बड़ी हंसमुख थी। हम यही बता रहे थे, उस बालक ने भी मेरे से कल ये कहा, कल पूछा कि भैया उन्हें ठाकुर जी तो मिल जाएंगे ना। मैंने कहा बेटे अपना काम भगवान का हो जाना है, उसके बाद हम हो गए भगवान का, तो जिसे भी हम अपना कहते हैं ना वो भगवान के हो जाएंगे, हैं। यह न अधिक रघु वीर बड़ाई, मैंने कहा यह न अधिक रघु वीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत के रिश्तेदारों का कुटुंबियों का पालन करते हैं प्रभु, आप उनके हो गए तो जो आपके भी है सब उनके हो गए, ये बात पक्की है भैया। तो ऐसा ही हमें भगवान का होना है। तो मैंने कहा ठाकुर जी तो रहे, तुम ठाकुर जी के हो चुके हो तो तुम्हारी माँ की चिंता नहीं करेंगे ठाकुर जी। और वो कई दिन से परेशान थी, एक महीने पहले उन्हें पैरालाइज अटैक हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया कुछ सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से आप देख के बताइए कि ये जल्दी भगवान के पास पहुँच जाए, कष्ट ना पाए, ऐसा कुछ हो जाए। मैंने मेरे मुँह से निकला, मैंने कहा बेटे इनका कुछ प्रारब्ध है बाबू, थोड़ा समय तो लगेगा। तो उसने बोला एक महीने में हो जाएगा, ये 20 दिन पहले की बात है। मैंने कहा हाँ इतने में हो सकता है, तुम इनके लिए प्रार्थना करना सर। वो मूर्छा में ही थी, और फिर उसके बाद में हमने भगवद्गीता पाठ वगैरह उनके लिए हमने कह दिया कि ये सब करे कान में इनके, और एक मंत्र भी हमने इनके लिए कहा कि इन्हें चेतना रहे, तो वो मंत्र आप इनके जपते रहो, इनको चेतना रहनी चाहिए, भगवत स्मृति हो। फिर भी उनको मन में, आज सुबह एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त में गई वो, अरे मैं कहता हूँ 11 प्रकार से मुक्ति होती है, हमारे महापुरुषों ने इस बात का अनुमोदन किया है। 11 प्रकार से मुक्तियों में एक मुक्ति है, वो है किसी जल के प्रभाव से, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती जी कावेरी जी नर्मदा जी गोदावरी जी, ये सब इनके प्रभाव से मुक्ति होती है। पाषाण में अगर बोलते हैं तो पाषाण कैसे, कोई पवित्र पर्वत जैसे तिरुमला हो प्रणाम करो, खुद भगवान शालिग्राम भी पाषाण के रूप में विग्रह है, तो बोलो पाषाण से भी मुक्ति होती है, वृक्ष इत्यादि से मुक्ति होती है, हाँ भगवती तुलसी जी के कृपा प्रसाद से हो जाती है मुक्ति। और मुक्ति होती है स्वयं की स्वेच्छा से, अगर हम कटिबद्ध हो जाएं कि भगवान के हो गए अब हमें पुनर्जन्म नहीं लेना है, और मुक्ति होती है परेच्छा से, कोई आपके लिए संकल्प कर ले, किसी महापुरुष ने सोच लिया आपका कल्याण हो जाए। देखिए भगवान वेदव्यास एक बार रास्ते पे जा रहे थे, एक कीड़ा दौड़ा जा रहा था, और उस कीड़े को देखा तो भगवान व्यास जी ने सोचा इस कीड़े को कौन सा बिजनेस है भाई,
ये किस दौड़ भाग में लगा पड़ा है? तो वेदव्यास भगवान ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, शक्तिपात कर दिया। एक जीव ही तो 184 योनियों में भटकता है, हैं? 184 के हैं ये फेरे, संभल जा रे बंदे संभल जा रे। वास्तव में 184 की इस दौड़ में फिर जन्म ना और मरना पड़ेगा, इसलिए पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम बोलते। एक ही जीव बार बार कितने योनियों में जाता है। तो जब उसने देखा कीड़े के रूप में, तो भगवान व्यास ने उसे शक्ति दी, ज्ञान प्रदान किया, बोलने का सामर्थ्य प्रदान किया और कहा सुनो कहाँ जा रहे हो, क्या काम है तुम्हें? तो उसने कहा भगवान शकट की आवाज़ आ रही है, शकट बैलगाड़ी आ रही है कहीं से, शकट की आवाज़ आती है, बैल के और गले में बंधी घंटियों की आवाज़, टन टन की आवाज़, और भगवान मैं मारा जाऊँगा इसलिए रास्ता क्रॉस करके जा रहा हूँ। तो भगवान वेदव्यास ने कहा अरे इस कीड़े के शरीर में जीना चाहते हो, तब भी जिंदगी चाहते हो? तो वो क्या कहा उस कीड़े ने, भगवान सबको सबके देह परम प्रिय है स्वामी। ओहो हो, सबको देह प्यारी होती है, कीड़े को क्या मक्खी को क्या, इसलिए किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। और भैया उन्होंने कहा इस कीड़े में भी इतना मोह, उसने कहा, तो भगवान वेदव्यास ने कहा इतने समय में इससे वार्तालाप की, ये कीड़ा ऐसे ही रह जाए। भगवान वेदव्यास ने कहा जा, मैं तुझे सामर्थ्य देता हूँ, मर जा इस गाड़ी के नीचे आके, हाँ मर जा, और मेरे प्रसाद से अब तुझे कष्ट नहीं होगा मृत्यु का, क्योंकि जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महा दुखम ततो जागृही जागृही। अंतकाल में महान दुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए अंतकाल का दुख तुम्हें नहीं सहना पड़ेगा। और भगवान वेदव्यास ने सब बोला, आप जानते हैं वो कीड़ा क्या हुआ? वो कीड़ा मर गया, और कीड़ा पता हूँ क्या बना? आप देखो महापुरुषों का, इसलिए तो बोलते हैं महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुष का संग दुर्लभ होता है, अगम होता है, अमोघ होता है, मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से पहुंच होती है आपकी वहां तक, लेकिन अगर मिल जाए तो अमोघ होता है, अमोघ। और भगवान वेदव्यास से मिला हुआ यही कीड़ा कौन बना? जिनका नाम भगवान मित्रेय मैत्रेय ऋषि। लो क्या बात है, कहाँ एक कीड़े कहाँ से मैत्रेय ऋषि तक का सफर, एक महापुरुष का अनुग्रह। इसीलिए भक्तों के अनुग्रह से क्या नहीं होता। चैतन्य प्रभु बड़े उदास थे, मैं और आपको बड़ी अनोखी बातें बताता हूँ भक्तों के और जाने की। हमने यहाँ पे घटनाएं देखी है, हमारे बच्चों ने अपनों के जाने का उत्सव मनाया है, ऐसी सी घटनाएं हुई आपको मैं क्या बताऊँ। जब मुर्दे खिलखिला के हंस पड़े हों आप क्या बोलेंगे, ये आंखों देखी बातें। जाते समय ये बताया है रामकृष्ण प्रभु की माता जी ने, जा रही हैं ऑक्सीजन लगा हुआ है, उन्होंने मुझे बोला हम सब लोग मुझे लेके गए कि उनके जाने की हालत है। तो हॉस्पिटल में जब मैं गया तो उन्होंने मुझे बोला भैया इन दोनों बच्चों को संभाल लेना। मैंने कहा ठीक, मैंने कहा माँ कोई विशेष बात, कोई भजन चला देते हैं आपकी इच्छा का। तो भजन चला दिया हमारे वृंदावन प्रभु ने, हैं शायद मोहे तो भरोसा है कि तिहारोरी किशोरी राधे से कोई भजन था, वो भजन सुन रही थी। उन्होंने मुझे कहा जाने के समय की बात बता, उन्होंने मुझे कहा 5 लोग आ गए हैं। मैंने कहा कौन आया माँ? तो उन्होंने कहा राधा रानी आई है, माधव आए हैं। मैं राधा माधव जी और कौन? तो उन्होंने कहा भाई जी आए हैं, बाबा आए हैं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा 4 हो गए। तो मैंने कहा 5वें कौन आए? तो उन्होंने बोला गुरु नानक देव जी महाराज। तो मैंने कहा गुरु नानक देव जी महाराज क्यों बोला इन्होंने? बाद में पता लगा वो पहले गुरुद्वारों में, पहले उनका भजन ये था गुरुद्वारों में सेवा करना गुरु। तो फिर राधा माधव जी की भक्ति में आ गए, लेकिन महापुरुष वो और उच्च कोटि के जो कहीं पे भी उनका सर्वथा सर्वकाल में सर्वत्र होते हैं, तो ऐसे उनको 5ों के दर्शन। उन्होंने मैंने कहा माँ कुछ कह रहे हैं? उन्होंने कहा ये कह रहे हैं कि अब चलो हमारे साथ। तो मैंने कहा माँ आपके छोटे वाले बेटे को बुला दें क्या ऋषिकेश को, वो CA का एग्ज़ाम देने गया था। तो उन्होंने बोला नहीं आवश्यकता नहीं। रामकृष्ण ने उन्हें जाते समय उन्हें कहा माँ तू कर रोना मत। तो उसने कहा मैं रो रो के मर जाऊँगा अगर भगवान का नाम लिए बिना मर जाएगी तो। हरिशरणम हरिशरणम, अगर भगवान का नाम लेके मरेगी तो उत्सव मनाऊंगा। और ऐसा उत्सव मनाया, नाचे कूदे खूब मृदंग ले लेके।
उनके पंजाबी रिश्तेदार सारे बिफर गए। उन्हें बोला ये उत्सव, ये तो मातम का समय, माताओं में कौन उत्सव मनाता। उसे पता था कि मेरी माँ भगवान के धाम गई। उनकी माँ से अंत में उन्होंने, माँ ने झटके से बोला हरिशरणम, और इतना शरीर के अंदर पानी भर चुका था कि कहीं उंगली गाड़ दो वहाँ से पानी निकल पड़ता था। और जब भी हम मिलते थे, माँ कैसे हो, इतना आनंद मैं संभाल नहीं पा रही भैया इतना। मैंने कहा माँ शरीर में कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट, पर आनंद आनंद बहुत है। कृष्णा प्रभु की बहन पिताजी इशिका डायरी में लिख के गई कि 5 में से 4 भाई बहन बचेंगे, 5 बच्चे हैं कृष्णा प्रभु के माता पिता के, मतलब कृष्णा प्रभु वगैरह सब भाई बहन 5 हैं। जाते समय उस लड़की ने डायरी लिखी, उसने कहा 5 में से 4 बचेंगे, 1 जाएगी, पर 5 वापस कर लेना ना, भैया को अपने परिवार का ही भैया सदस्य है, तो भैया हो गए तो 4 हम और 1 भैया वापस हो गए, तो 5 वापस हो जाएंगे। तो उन्होंने उसे जाते समय उस कन्या ने इतनी, और वो भी कोई दैवीय कन्या थी, ऐसे हमने कईयों को जाना है। हमारे राधारमण जी के दादाजी का बताओ, राधारमण जी कैसे प्रकाश हो गए थे, क्या क्या घटना हुई थी दादाजी तुम्हारे जब भगवत धाम गए थे। दादी तो इनके बड़े अलग तरीके, दादाजी का भी वो घटनाएँ बड़ी अलग अलग घटनाएँ हुई। मैं कह रहा हूँ कि हम जो कहते हैं भगवान तो सर्वकाल में थे, हैं और रहेंगे, क्या बताएं, हम लोगों के पास में भगवत विषय में चिंतन करने की फुर्सत नहीं है। मैं वो कह रहा था कुछ दिन पहले बच्चों को कि जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब, शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया, शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। देखिए कैसे मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, बूढ़े तन के हर क्या, हाँ बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, जीवन खत्म ओ देखो हाँ, क्यों जब सिमरन का वक्त था, हाँ सिमरन के वक्त में ना हर गिजना सुमिरन की ना, सुमिरन के वक्त में ना हर गिजना सुमिरन की ना, जिस वक्त वक्त मांगा, जिस वक्त वक्त मांगा तब वक्त तंग आया, जब समय मांगा। महारानी एलिजाबेथ मरने लगी थी, उसने कहा मुझे प्रार्थना के लिए अगर 1-1.5 घंटे दिलवा दो, मेरी सारी हुकूमत ले लो, सारा धन ले लो। तो डॉक्टर्स ने कहा कि हम क्या बताएं, हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जीवन नहीं दे सकते, सब कुछ सब समय अपनी जिंदगी का देके ये सब कुछ लिया जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ देके 1 सेकंड भी टाइम नहीं लिया जा सकता। वास्तव में ये बात है, हम समय की जो कीमत नहीं समझते तो फुर्सत नहीं है लोगों के पास भगवत वार्ता की। भगवान सर्वदा सर्वकाल में है लेकिन हम लोगों को समय नहीं है। देखो जिन्हें समय है वो लोग देखो अमेरिका से सुन रहे हैं, शशांक जैसे बच्चे सुन रहे हैं, इस आयु में भी सुन रहे हैं। मुझे लगता है जो प्रेमी है उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आप लोग वो चीज़ जूम पे भी समझ लेंगे, और यहाँ हम किसी की छाती पे बैठ के मुंह दलें समझाएं तो नहीं समझ में आएगा।
समझने वाले की सब कृपाओं से बढ़ के आत्म कृपा होती है। आज दादा जब गए तब बलराम जी और वहाँ पे और उनको गंगा जल वगैरह देने गए माँ जी को, तब वो चैतन्य प्रभु को मन में बड़ा वो था कि भाई मेरी माँ की सदगति हो। और जैसे ही उन्होंने जल दिया और उसी समय बाहर एक शंख बजा इतनी तेज और तुरंत चैतन्य प्रभु जी का मेरे मन से आवाज आई, माँ पहुँच गई। माँ संतुष्ट, वो भी संतोष है उनको। मैं सच बताऊँ ऐसी ऐसी घटनाएँ हुई है और जो भजन कर रहे हैं उनके जीवन में रोज ही होती है। ओहो हो, संसारी पूछता है कि भगवान कहाँ है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने दो लाइन में सारी बात पूरी क्लियर कर दी। और संसारी पूछता है कि भगवान कहाँ है और प्रेमी पूछता है कि बताओ भगवान कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है, वो जगह बता दो जहाँ वो नहीं है। महात्माओं ने तो पहचान लिया इस बात को और हमें पहचानने के लिए भूल के भी गए, आदर नहीं किया हमने। उन शब्दों पे बिक जाना चाहिए था, हम बिके नहीं। अरे नहीं, थोड़ा मान ही लेते। सच बताता हूँ, एक दिन हमारी हालत ऐसी होती है कि पढ़ पढ़ के पथरा भए और सुन सुन बन गए ईंट, अरे तुलसी प्रभु के प्रेम की लगी न एक छींट। हमारी ऐसी हालत है, एक बार कबूतरों ने एक बहेलिए को देखा। क्या देखा बहेलिए को? बहेलिए को देखा कि ये रोज दाना डालता है और फिर दाना डालता है, फिर जाल बिछाता है, जाल बिछा के दाना डाल देता है। दाने के लालच में पंछी आते हैं, चुग्गा भरते हैं, फंस जाते हैं, यहीं रह जाते हैं, फिर एक एक की मुंडी मरोड़ता है और उनका मांस बेचता है। तो एक बार सारे तीतरों ने सभा की और बूढ़े तीतर से पूछा कि आप बताइए बाबा, हम कैसे इस शिकारी से बचे। तो उन्होंने बोला, देखो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उसको ध्यान से याद कर लो। वो मंत्र कौन सा? तो उन्होंने कहा, मंत्र ये है, एक शिकारी आएगा, फिर वो जाल बिछाएगा, फिर वो दाना डालेगा, तुम दाने को मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना, नहीं तुम्हारी जाओगे, फिर पीछे पछताओगे, तुम दाने को मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना। वो भैया, वो बहेलिया था, वो इतना बहेलिया था कि उसको जानवरों की भाषा आती थी। तो बहेलिया आता है और जाल बिछाता है, दाना डालता है, सारे मिल मिल के गाने लगते हैं कि एक शिकारी आएगा, फिर वो दाना डालेगा, फिर वो जाल बिछाएगा, तुम दाने को मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना, नहीं तुम्हारी जाओगे, फिर पीछे पछताओगे, तुम दाने को मत चुगना, ऐसे बोल रहे हैं। ओहो, उसने भजन सुना, बहेलिए का मुंह उदास हो गया, क्योंकि तीतरों के, बूढ़े तीतर की बताई हुई बात, बूढ़ों की बात बड़ी काम आती है। तो सारे इस मंत्र का प्रभाव ऐसा निकला, बहेलिया जैसे आया था अपना जाल समेटा कि सारी प्लानिंग तो इन्हें पता ही, अब कहाँ से फंसेंगे, और चला गया जाल उठा के जाने लगा। और रास्ते में उसकी बस्ती के बूढ़ा बहेलिया मिल गया, एक बूढ़ा और। अब देखो बूढ़ों बूढ़ों की कितनी अकल चलती है। उस बूढ़े ने कहा, भाई क्या बात है मंगरू, आज उदास क्यों हो रहा है? उन्होंने बोला, क्या कहूँ बाबा, बात तो ये है कि कोई भी तीतर नहीं फंसा। तो उन्होंने बोला, क्यों नहीं फंसा? तो बोले, तीतर तो भजन गा रहे हैं, और एक शिकारी आएगा, फिर वो। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये बात है, तो तू इसलिए जाल समेट के वापस ले आए। तो तेने जाल बिछाया और दाना डाला नहीं। अरे दाना क्या डालूँ जब उन्हें सब कुछ पता ही है। तो उन्होंने बोला, ये पता ही वालों की हालत देखना भी, एक बार जाल डालो, दाना डालो तो सही। हाँ, फिर ये देखो क्या करेंगे। और उस बूढ़े की बात मान के, उस बूढ़े बहेली की बात मान के, उस बहेलिए ने जाल बिछाया और फिर दाना डाला। और कबूतरों ने कहा, आह हा, भजन गाते रहो, दाना चुगते रहो। और सारे आए और वही गाना गा रहे हैं और चुगते जा रहे हैं। एक शिकारी आएगा, फिर वो दाना डालेगा, तुम दाने को मत चुगना, नहीं तुम्हारे जाओगे, फिर पीछे पछताओगे, और तुम दाने को मत चुगना, मत चुग। भैया इतना बोला और सब ये भजन गा गा के
अच्छे तरीके से बढ़िया कर रहे हैं, और भैया सब पकड़े गए। तो उस बूढ़े बहेलिए से इन्होंने कहा, उस शिकारी ने, बाबा आप कैसे समझ गए इस इनकी रग को? तो बोले बेटे ये सब गाते हैं, समझता कोई कोई है, सभी गाते हैं। कितने लोग भजन गाते हैं, हैं? माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, अब करता क्यों मन भारी जब माया संग छुड़ाए। क्या बेटे? हाँ हाँ बोलिए। वो ना भी क्या नाम, मदन बाबू का फोन आया था पे, और वो ये बोल रहे हैं मनुष्य सरकार ने बोला है आपके लिए वो कराए कि भैया को भी जरूर बता दें कि आज तीन महापुरुषों का तिलोभाव दिवस है, देवरा बाबा, स्वामी रामचंद्र जी महाराज और ऋषिकेशानंद मस्तराम बाबा। तो उन्होंने बोला कि भैया जी को भी स्मरण दिला दें, वो भी कारण बता दें। जय जय पिताजी। मलुकपीठ सरकार ने भी एक एक संत है उनसे फ़ोन करवाया है, उन्होंने कहा कि भैया जी को याद दिला देना, हम आप लोगों को भी कह रहे हैं आज तीन जनों का तिरुभाव दिवस बता रहे हैं कि एक तो मस्तराम बाबा, एक पूज्यपाद ऋषिकेश वाले, एक पूज्यपाद देवरा बाबा, और एक उन्होंने कहा पूज्यपाद स्वामी जी महाराज। तो आज द्वादशी लग गई क्या पिताजी? हाँ पिताजी द्वादशी लग गई है, लग गई है, आज दोपहर में ख़त्म हो गया था ना, आज दोपहर में लग गई, तो वो इसलिए उन्होंने आज के हिसाब से किया होगा। तो वैसे कल महाद्वादशी ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से कल है, तो इस हिसाब से तीन महापुरुषों को उन्होंने कहा कि प्रार्थना सब लोग कर दीजिएगा, एक संत का आदेश आया हम लोग सब करते हैं, एक बार कहते हैं चलिए एक बार भगवान का नाम लेके प्रार्थना कर दें, है हरी शरणम 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 हरे 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 शरणम। है पिताजी हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। यहाँ को देखो हमें तीतरों की तरह भजन नहीं गाना, वो तीतर कौन है जो भजन तो गाते हैं इनको समझते नहीं हैं। एक बार प्यारे प्रभु को बोलो, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, हमें भगवान को पाना है आप पक्का कर लीजिए, फिर आप भजन गाएंगे भी ना तो इस उद्देश्य को पक्का कर लीजिए, हमें भगवान को ही पाना है। एक बात ठीक, ओके डन, फिर आप ये भजन गाएंगे ना नकली वाला असली हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ खाली नकली गाने कोई असर नहीं है, बात नहीं, लेकिन फिर भी खाली थोते थोते और राग रागनियों में हम उसको पूरा अच्छे से गाएं और उसे समझने का प्रयास न करें तो वो शुष्क रह जाएगा, खुश्क रह जाएगा। हम गंगा जी के पास से प्यासे लौट रहे हैं इन भजनों को सुन के, और अगर हम नहीं चेते तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं है। आत्मकृपा की बड़ी ज़रूरत है, महापुरुषों ने हम पे कृपा कर दी है, महापुरुषों ने कृपा करके दिया हमको महामंत्रम, न भूले हम हरि के हम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। हरि का हो के निकले दम हरे शरणम हरे शरणम
हरि का यहाँ को ही नहीं अपना, ये बस एक रात का सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, ये बस एक रात का सपना, ये बस एक रात का सपना, ये बस एक रात का सपना। सत्य है वही अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम। सत्य है वही अमर प्रियतम हरि। देखिए महापुरुषों ने हमें ये बताया और हम इन महापुरुषों की बात मानेंगे ना, उनकी श्रद्धांजलि होगी। हम सच्चे हृदय से स्वामी जी महाराज जी का मान लें, हे नाथ हम आपके हैं, है नाथ मैं थारो जी थारो, है क्या नाथ मैं थारो जी थारो, हरि जू मैं थारो जी थारो। मारवाड़ी हो ना सब लोग, है क्या बोलो, चोखो बुरो कुटिल खलकामी, जैसो भी हूँ थारो नाथ मैं थारो जी थारो, हरि जू मैं थारो जी थारो। क्या बोलोगे, हाँ बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी, बुरो बुरो मैं बुरो, कहा कर मैं रह जासू हरा नाथ, बुरो कहा कर मैं रह जासू, नाम बिगड़ सी थारो नाथ मैं थारो जी थारो, प्रभु जी मैं थारो जी थारो। क्या नहीं, हाँ मारी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कुछ मारो जी, बात जाए तो जाए, सोच नहीं कुछ मारो जी। अरे मेरी बात चली गई, देख ठाकुर जी से कैसे कैसे मीठी बात बना रहे हैं। भाई जी ने हम लोगों के लिए लिखी है बात ताकि हम बोल पाए। ये सब पद भगवान से वार्ता करने के लिए होते हैं, ये खाली राग रागनियों के लिए। ठाकुर जी को बोलो सामने, अरे मारी बात, अपने अपने गिरधरिये के अपने कानूड़े को सामने बिठा के बोलो क्या, अरे मारी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कुछ मारो जी, मारी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कुछ मारो। अरे मारे बड़ो सोच यह लाग्यो सावरा, मारे बड़ो सोच यह लाग्यो बिरद लाज सी थारो नाथ मैं थारो जी थारो, प्रभु जी मैं थारो जी थारो। क्या कहते हैं, थारो हूं। देखो अगर मेरे को चिंता ये लगी है बड़ी कि आपका बिरद लजा जाएगा, सारे भक्तों ने ठाकुर जी को यही लारे लप्पे बोले हैं, ऐसे ही बोला है कि हाँ अरे हमें तो आपकी चिंता है, आपका वीरद, आप अदम उदाहरण हो ना, पतित पावन हो ना, तारोगे नहीं तो आपका, तो आपका नाम पे बट्टा लगेगा सरकार। तो कह रहे हैं हमारी बात जाने दो, हमारी बात जाए तो जाए पर आपकी तो नहीं जानी चाहिए। तो फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा तीसरी पंक्ति में कि थारो हूँ थारो ही बाजू, बाजू मतलब क्या, तो बोले भाया थे के बाजो हो, तो बोले भाई मैं नाटाण्या के बाजा, नाटाण्या है गोयनका के किक्की के बाजे, तो बाजे मतलब बाजना नहीं मतलब किसके क्या लगते हो, किसके नाम से कहते हो, ये होता है ना, किसके कहते हो। तो कहते थारो हूँ थारो ही बाजू, रैसु थारो थारो जी थारो हूँ थारो ही बाजू, रैसु थारो आपका हूँ, आपका ही कहूँगा और आगे भी आपका ही रहूंगा, थारो हूँ थारो। सुनो सुनो अपने अपने ठाकुर जी को बोले हम, एक बार ठाकुर जी को बोलो, देखो ये खड़े खड़े सामने आप लोगों के पास भी खड़े हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, एक बार भीतर घुस के बोलो, अरे थारो हूँ थारो ही बाजू, रहस्यो थारो थारो जी। आंगलियां नूह परे न होवे सांवरा,
आंगलियां नू परे न हो, ये तो आप बिचारो। मैं थारो जी थारो, मैं थारो जी थारो। अरे यहाँ भाई जी बोलते हैं कि ठाकुर जी उंगली और नूह नाखून अलग अलग होते हैं क्या? ऐसे में और आप जुड़े हैं, हैं? और फिर क्या अंतिम लाइन में पिताजी, अंतिम लाइन क्या है? आप सुन रहे हैं और आप बीच में गुनगुना रहे भी हैं, अंतिम लाइन क्या? हाँ नहीं, जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे तारो जी, जचे जिस तरह करे। अब ठाकुर जी को बता रहे, अच्छा कोई बात नहीं, ये बातचीत ही तो है, अच्छा कोई बात नहीं, जचे जैसे करो वैसे करो, आपकी मन मर्जी है, चाहे मारो चाहे तारो। लेकिन एक बात कह देते हैं, देखो दबी जबान से ठाकुर जी को थोड़ा धमकी भी दे दी प्यार भरी, कौन सी? जचे जिस तरह करो ना तब मारो चाहे। लेकिन एक बात बताऊँ, किसी की जांग उगड़ जाए तो लाज के मारे भरी सभा में, और जो भक्त होते हैं ना, वो भक्त होते हैं ठाकुर जी की बड़ी गोपनीय निधि होते हैं, बड़े गोपनीय होते हैं, और लोग कहेंगे बेचारे भगत ऐसे होते हैं, अरे नाम खराब होता है ऐसे। हाँ तो इसीलिए तारो, अब क्योंकि मैं तारो तो तारो, हाँ लेकिन इनडायरेक्टली कह रहे चाहे मत तारो, लेकिन तारने पे जोर इसलिए है कि ठाकुर जी कहते देखो अगर नहीं तारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या? जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे तारो जी, जांग उघाड़िया लाज मरो ला सांवरा, जांग उघाड़िया लाज मरो ला, ऊंडी बात बिचारो साथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। तो ये आप कह दीजिए। हाँ अब भगवान ने क्या उत्तर दिया भाई जी को? जब भाई जी बोले अरे कहा भाई, अरे तू मारो रे मारो भाई, अरे तू मारो रे मारो। अब सुनो, आप सबके हृदय में बैठे भगवान बोल चुके हैं भाई, अरे तू मारो रे मारो। अच्छा भगवान ने बहुत पहले कह दिया था, असल में इजहार इधर से करने में देरी हो रही थी, तो अब हम भगवान से और मना लें और उन्हें कह दें हे नाथ हम अपनी गलती सुधारते हैं, हम सबके बन गए थे आपके नहीं, क्योंकि हम हैं आपके, बताओ तो हम इस बात की स्वीकृति करनी है कि हे नाथ हम आपके हैं। तो आज तो पिताजी और कोई आज्ञा पिताजी?